तो गाइज अभी हम बाजार से घर जा रहे हैं। खुशी के लिए नंदो ने मतलब जो उसे बर्थडे गिफ्ट था ना वो उसने नहीं दिया, तो वो आज आया है इतना लेट। एक महीना हो गया, एक महीने मतलब लेट है उसका गिफ्ट, बहुत ही टाइम हो गया। तो अभी हम घर जा रहे हैं, घर जाके फिर हम देखते हैं क्या करेंगे। मैं व्लॉगिंग अब करूँगी डेली, मतलब डेली नहीं हो पाएगी तो फिर भी दो तीन दिन में डाल दिया करूँगी व्लॉग, क्योंकि आप सब लोग बहुत गुस्सा करते हो कि मैं व्लॉग नहीं डेली नहीं डालती। बस आप लोग सपोर्ट करते रहना, तो जब भी मुझे काम करने में अच्छा लगेगा तभी मुझे व्लॉग्स बनाने में भी मज़ा आएगा कि हाँ भाई आप सब लोग देख रहे हो, मतलब सपोर्ट कर रहे हो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा बनाने में। और बाकी अभी हम जा रहे हैं घर पर, और हाँ मैंने तो बोला ही नहीं वेलकम बैक टू माई व्लॉग। तो अभी मैं आ गई हूँ घर, थक गई, हालत खराब जाती है ट्रिप पर चढ़ गई। तो मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं क्योंकि मेरे से ज़्यादा देर गाइस सूट वूट ऐसे कुछ कपड़ों में रहा ज़्यादा घर पे। मम्मी YouTube पर वीडियो देख रही है, देखते इमोशनल होगी। ये खुशी का गिफ्ट है, अब देखते खुशी का क्या रिएक्शन रहेंगे। नहीं ऐसे ही है, सही से घर पे तो सब ऐसे ही रहते यार, तो मैंने तो सही पहन रखा है। आ जा, हाँ तो सही, हाँ सही, चल भाई की टी शर्ट पहनने की और क्या है, इधर आ जा, शिवम की है। अच्छा आग बंद कर, चला तेरे लिए गिफ्ट लाई है जिसका बर्थडे गिफ्ट रह गया था ना, देख। अरे गले का लाई है जो तो कह रही थी बहुत दिनों से, गाइस ने दिमाग खराब कर लिया था कि मेरे नाम का लॉकेट लाओ, मेरे नाम का लॉकेट लाओ, मेरे नाम का लॉकेट लाओ। तो मैंने कहा खुद नहीं तो इसका नाम का वही बनवा दे, ये ना मतलब बनाया हुआ है, मतलब बोला था एक महीने बाद जाके आया है। दिखाऊं पास, दिखाते हो पैरी वाला है, देखो भाई गीला कर रखा है, अच्छा लग रहा है। हाँ कैसा लगा बता, बहुत अच्छा, उसको बोल बहुत अच्छा। मुझे पता ही नहीं, मेरे को भी ऐसे चाहिए कुछ, देखो ऐसे करती है, यू गाइस ऐसे करते हैं। अब मैं कम रुपए का दूंगी तो मैंने कहेगी मैंने तो 3 रुपए का दिया, तो 3 रुपए का देगी है, ऐसा करती है। नहीं अब मुझे कुछ नहीं देती, अब मुझे भी 3 रुपए का देना पड़ेगा इसे। तुझे पता कितने रुपए का, पता नहीं कितने का है, गिफ्ट का कोई मोल नहीं होता, पता चलेगी ना बाद में, पता चले। चल गिफ्ट, गिफ्ट में कोई पैसा देखा था कितने रुपए का, बस पहले बंद करो फिर पैसे लेगी। नहीं पैसे लेगी नहीं बताऊंगी, क्योंकि गिफ्ट का मैंने आज तक तुझे कोई गिफ्ट दिया तो कोई प्राइस बताया तुझे मैंने, तो फिर कोई नहीं। खाना बन गया, सब्जी रह, चलो खाना बनाओ। इसने तो अच्छा गिफ्ट दिया पर रिएक्शन भी ना दिया, रिएक्शन भी ना दिया, ऐसे यही नहीं पता कि जब गिफ्ट देते खुश कैसे होते हैं। मेरे अंदर है, मेरे मन में, मेरे दिल में। खुश होकर दिखाइए, चल खुश होकर दिखा, कैसे 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 कैसे, दोबारा खुश होकर दिखाइए, एक बार ओवर एक्टिंग कर, ओवर एक्टिंग, ओवर एक्टिंग कर, चल कोई नहीं, खुशी मन में होती दिखावेगी नहीं। ओह माय गॉड,
हाँ मम्मी हसी, ओह माय गॉड। मॉर्निंग और मैं नहा ली हूँ, मैं नहा के पूजा वूजा भी कर दी है और अभी नन्नी रूसी स्कूल से आ गई थी, मतलब इनका स्कूल तो छुट्टियाँ पड़ गई हैं बट इन्होंने मार्चिंग में पार्टिसिपेट लिया है, तो मार्चिंग की बोलते हैं ना, मार्चिंग की प्रैक्टिस चल रही है। तो 10 बजे आ गई थी तो आके भी सुबह नहा ली थी सब चीज़, तो अभी सफाई कर रहे हैं बस। सफाई करने के बाद फिर हम जाएंगे वीडियोज़ बनाने और फिर वीडियोस बनाने के बाद फिर आएंगे हम घर, हमारा यही रहता दिन का। और गाइस जो मतलब सरप्राइज़ है आप सबके लिए वो बहुत जल्दी आपको पता लगने वाला है, इस मंथ में पता चल जाएगा आपको कि क्या है क्या नहीं है। मतलब आपने ये सरप्राइज़ तो देखा कि खुशी ने मतलब नंदनी ने खुशी को बर्थडे गिफ्ट दिया, बट एक और है जो मेरा सरप्राइज़ है, बहुत लोगों को पता भी है बहुत लोगों को नहीं पता, मतलब गैस कर सकते हो कि क्या होगा। नंदनी अभी बर्तन धो रही है और खुशी अंदर कपड़ों की तह लगा रही है क्योंकि मतलब बहुत सारे कपड़े हो रहे थे। मम्मी ऊपर छत पर हैं और मैं अभी बैठी हुई हूँ, फिर अभी काम वगैरह करेंगे, फिर जल्दी से हम जाएंगे सेटअप पे, फिर वीडियोस वगैरह बनाने। और अब सोच रही हूँ मैं इसके बाद चैलेंज ब्लॉग डालूँ, चैलेंज कुछ करेंगे क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बोल रहे लोग दीदी चैलेंज करो या प्रैंक करो, ज़्यादातर प्रैंक बोलते हैं बट गाइस पता नहीं क्या है, पता लोग प्रैंक कैसे कर लेते हैं, इनको प्रैंक करने से पहले इनको पसंद जाती है कि मतलब प्रैंक हो रहा है, मतलब फ़ोन एक मतलब ये है फ़ोन ढूंढते हैं जैसे हम कुछ बात करेंगे ना सुस पर क्या कि फ़ोन का प्रैंक तो नहीं कर रहे तुम, तो मतलब ऐसे हो जाता है, पता नहीं लोग कैसे प्रैंक कर लेते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आता। मेरे को तो ये सोचती हूँ कि मैं प्रैंक करूँगी तो इन्हें पता चल जाएगा, फिर पता चलने के बाद प्रैंक के रिएक्शन वगैरह जो होते हैं मतलब फेस के फिर वो नहीं आते जो स्क्रिप्टेड होता है सारा, तो मैं देखती हूँ कैसे क्या होगा। और मुझे आता है कि खुशी भी प्रैंक हो सकता है अच्छे से, खुशी बहुत जल्दी हो जाती है, ये तो बहुत तेज है नंदो, तो ये तो छूट तो गया कि प्रैंक कर रही हो क्या, कैसे करती है। और खुशी ये भी खुशी बैठ के कपड़ों की तह लगा रही है इधर, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, सोच रही इस व्लॉग को पूरा कर दूं, वही जो तक गिफ्ट दिया था इसको पूरा करके से डाल देती हूँ, फिर जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग अच्छा डालूंगी, इसके बाद अच्छा व्लॉग आएगा। अभी तो आप ऐसे ही देख लो इस व्लॉग को, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, बट मैं फिर भी बनाई जा रही हूँ इस व्लॉग को, बनाओ नेक्स्ट व्लॉग चैलेंज का डालूंगी शायद, या फिर शॉपिंग वगैरह का डालूंगी, ठीक है। इसके बाद के व्लॉग शायद आपको अच्छा देखने को मिले, बट अभी आप इसी को एंजॉय करो और अब दोबारा कराऊंगी बालों पर कलर, थोड़े से कलर ना थोड़ा उतर तो जा रहा है, कलर चल रहा है सामने तो मेरे बाल से उड़ रहे हैं, जाने की रेडी हो रहे थे वीडियोस बनाने, वहाँ पर सेटअप अपने जहाँ सेटअप लगा रखा है और यहाँ पर इतनी तेज बारिश हो रही है ना, हो गई अचानक की बारिश, इतनी धूप निकल रही थी अचानक से मौसम हुआ और इतनी तेज बारिश आ गई, अब बेचारे को यहाँ बैठ के तैयार होना पड़ रहा है। क्या हवा मतलब आंधी और बारिश एक साथ हो रही है, कैसे दिखाऊं देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि ऐसे से ऐसे बारिश पड़ रही है, ऐसे ऐसे उड़ उड़ के कि आंधी और बारिश एक साथ, और वो तो कार से आ रहे हैं वीडियो बनाने, पता नहीं कैसे आएंगे, दिख भी बाइक चला रहे हो कार चला रहे होंगे तो इसमें पता नहीं कैसे आएंगे, वो अब वो अपने में उसे मेकअप करने से कुछ नहीं है, तैयार हो रहा है तू भी जाते जाते हो गया हमारा कैंसिल, अब हम नहीं जा रहे हैं वीडियोस बनाने क्योंकि बहुत कुछ बारिश आ गई थी, बारिश हम कहा थे और हमारी गली के बाहर इतना पानी भर गया था, तो मैंने बनाई थी चाय और पकौड़ी जो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, आई एम सॉरी, लेकिन बची हुई क्या जब था ही नहीं उस टाइम पर, और अभी खा रहे हैं लेटी हुई है और सुनीता है चाची का लड़का है कर, अरे फिलहाल बारिश बंद हो गई है, मैं पहले ब्लॉग में अब पता नहीं बना दिया हूँ, कई बार बनाने ये कह रहा मैं ब्लॉग में कपड़े पहन रखे थे तो
बता दो मैं नहा लिया दोबारा ही पहन लिया मैंने। अच्छी है अभी डाला मैंने एक ब्लॉग और भैया वाला हाँ। तो दो तो अब एक दो आते हैं तो ये लगा रही मेहंदी, इसको पता नहीं इसको कुछ त्योहार हो ना हो इसको बस अपने मेकअप करने शौक रहता है, इसका मन करता है कुछ नहीं है कभी भी मेहंदी लगा इसको। गाइस हमारे घर में ये सबसे ऐसे लगे सबके बन सवर के एकदम ऐसे रहती है। और हाँ न्यू ब्लॉग आपको बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी डालूंगी। अभी टाटा बाय बाय।